तो हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पहले क्लास में डिस्कशन कर रहे थे आप सबको याद है प्लेस वैल्यू चार्ट और ये जो एक्सपांडेड फॉर्म ये सारा पढ़े थे तो आज हम इसका एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन द प्लेस वैल्यू ऑफ वन इज फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन इच ये जो फोर थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन है यहाँ पे वन का प्लेस वैल्यू क्या है वन कौन से प्लेस में है पहले हम देखेंगे कौन से प्लेस में है हंड्रेड तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा हंड्रेड ठीक है द फेस वैल्यू ऑफ फोर इन फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी वन एज फेस वैल्यू मतलब क्या वो डिजिट का सेम नंबर ठीक है तो फोर का प्लेस वैल्यू सॉरी फोर का फेस वैल्यू क्या होगा फोर ही होगा द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन नाइन थाउजेंड नाइन्टी सेवन जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होता है जीरो ही होता है तो जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स ये जो यहाँ पे हमारा जो नंबर दिया गया है ए बी सी डी इसका जो अंडरलाइन डिजिट से इसका प्लेस वैल्यू लिखना है जैसे कि यहाँ पे दिया है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी टू का में थ्री का प्लेस वैल्यू थ्री में अंडरलाइन करा गया है थ्री का प्लेस वैल्यू क्या होगा थ्री कौन से प्लेस में है टेन में है टेंथ प्लेस में है तो थ्री इंटू टेन इजिकल टू थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री में थ्री का प्लेस वैल्यू क्या होगा थ्री इंटू वन इजिकल टू थ्री थ्री कौन से प्लेस में है वन प्लेस में है तो थ्री इंटू वन टू थ्री टू थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन टू में नाइन का प्लेस वैल्यू नाइन टू टेन इजकल टू नाइनटी थ्री थाउजेंडी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सेवन में थ्री तो का प्लेस वैल्यू क्या होगा थ्री थाउजेंड के प्लेस में तो इसका प्लेस वैल्यू होगा थ्री इंटू थाउजेंड इजकल टू थ्री थाउजेंड ठीक है अभी देखो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी तो क्या होगा टू भी थाउजेंड के प्लेस में है तो टू इंटू थाउजेंड इजकल टू टू थाउजेंड 8749 में फोर का प्लेस वैल्यू हो गया फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू में सिक्स का प्लेस वैल्यू हो गया सिक्सटी और नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी थ्री में फोर का प्लेस वैल्यू हो गया फोर हंड्रेड यह सर आपको करने पे आएगा प्लेस वैल्यू करते टाइम जौन सा नंबर के नीचे अंडरलाइन करा गया है तो आप पहले क्या देखोगे वो कौन से प्लेस में है वन प्लेस में है या टेन प्लेस में है हंड्रेड में है या थाउजेंड में है उसके बाद आपको ये पूरा आसानी हो जाएगा ठीक है राइट ट्रू राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स एफ फॉर फॉल्स द फेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी थ्री इज़ सिक्स थाउजेंड ये सही है क्या सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी थ्री में सिक्स का फेस वैल्यू सिक्स थाउजेंड है फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है वही डिजिट होता है तो क्या होगा ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इन थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन इज़ फोर्टी क्या होगा ठीक है ये फोर्टी होगा तो ट्रू होगा द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इन नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सेवन इज सेवन ये भी ट्रू है द फ्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी थ्री इज जीरो तो ये भी ट्रू होगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टू इजिकल टू सेवन थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस टू ये हो गया हमारा आ गया एक्सपांडेड फॉर्म आप सब लोग पढ़े थे एक्सपांडेड फॉर्म याद है ये प्लेस के हिसाब से हमको उसको एक्सपांड करके लिखना है लिखना है तो क्या होगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टू सेवन थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस टू तो ये क्या होगा ट्रू होगा इसको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जैसे कि टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर इजल टू टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टीन एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवनटीन सिक्स थाउजेंड टू हंड ट्वेंटी फोर ये सर आपको आएगा टिक द नंबर विच हैच फोर इन टेन प्लेस यहाँ पे ये जो तीनों नंबर दिया गया है यहाँ पे फोर कौन टेन प्लेस में कौन कौन से नंबर में है यहाँ पे है तो यहाँ पे टिक करोगे एट इन द हंड्रेड प्लेस यहाँ पे जोन जोन से है कि यहाँ पे टिक करोगे टू इन द थाउजेंड प्लेस जहाँ पे है आपको टिक करना है ठीक है ये वाला नंबर भी आएगा आपको आसानी से राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इच डिजिट इन द फॉलोइंग यहाँ पे नंबर दिया गया है फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी फोर एंड थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी नाइन इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको लिखना है ठीक है मैं आपको बता दे रही हूँ आप लोग कैसे लिखोगे ये हो गया नंबर फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी फोर ये हो गया आप पहले क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ठीक है तो फोर का फे प्लेस वैल्यू क्या है फोर कौन से प्लेस में है फोर तो इसका फोर फेस वैल्यू भी फोर एट का क्या होगा एट इंटू टेन इजिकल टू एटी और फेस वैल्यू एट नाइन का उसी तरह नाइन इंटू हंड्रेड इजिकल टू नाइन हंड्रेड और फेस वैल्यू हो गया नाइन और फाइव का फाइव इंटू थाउजेंड इजिकल टू फाइव थाउजेंड और फेस वैल्यू उसी का सेम ही रहेगा उसी तरह आपको ये बी नंबर भी करना है ठीक है तो ये आपका एक्सरसाइज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपको बुक में भी करना है और इसको कॉपी में भी लिखना है ठीक है बाकी सेवन एट नंबर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे